All right, so CSS is a cascading style sheet, and that is used to give the more fancy look of HTML. Because agar aap dekhen to HTML jo hai aapka wo pure raw hai. Aapne ghar bana diya hai, na usme color hai, na painting hai, na door hai, na darwaza hai, na parda laga hua hai. Ghar ka koi bhi decoration nahi hua hai, bas aapne bare structure khada kar diya hai. प्लास्टर कर दिया है, आई थिंक प्लास्टर भी नहीं है, प्लास्टर भी करना हम यहीं से सीखेंगे. सो बेयर स्ट्रक्चर है, तो आपका बेयर स्ट्रक्चर कैसा घर लगेगा जब तक उसमें आप प्लास्टर, पेंटिंग, पर्दा, कर्टन डिजाइन नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. तो यहाँ पे हम उसके बारे में सीखेंगे. बेसिक है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो वेबसाइट पे आप सारा कुछ देख सकते हैं. लेफ्ट नेक्स्ट एंड यू कैन गो फ्रॉम देयर एंड यू कैन वर्क. और जैसे किसी भी CSS में क्या होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं और उसके वैल्यूज होते हैं, और CSS प्रॉपर्टीज वैल्यू इंपैक्ट करते हैं आपके HTML टैग को. तो जैसे कि यहाँ पे आपका हेडर टैग है एंड पैराग्राफ टैग है, और नीचे में आपने देखा था कि बैकग्राउंड कलर है एंड फॉन्ट साइज है. तो CSS में जो ध्यान देने वाली बात है, आप उसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखेंगे, और ये आपका HTML टैग है जिसके ऊपर उसका असर होगा, और ये आपका CSS का प्रॉपर्टीज है जो कॉलन के साथ लिखेंगे, और ये आपका वैल्यू है जो सेमी कॉलन से क्लोज होगा. तो जैसा कि बैकग्राउंड कलर मतलब पीछे का जो कलर है वो बीच कलर का होगा, जो कलर है यानी जो आपका फॉन्ट का कलर है वो ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन, एंड जो फॉन्ट का साइज है वो 18 पिक्सल का होगा. तो ये हमारा एक बेसिक है, और आप देखेंगे बीच की जगह पे अगर मैं इसको येलो कर दूं तो आपका येलो हो जाएगा, डार्क ग्रीन की जगह पे मैं इसको ब्लैक कर दूं तो ब्लैक हो जाएगा, 18 पिक्सल की जगह पे मैंने इसको 12 पिक्सल कर दिया या 20 पिक्सल कर दिया. तो इस तरह से आपका साइज छोटा एंड बड़ा होगा. तो आप देख रहे हैं कि CSS के थ्रू आप उसके अपीयरेंस को, कैसा वो दिखेगा, उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका CSS है. नेक्स्ट, ओके. अब कई बार आपको कमेंट करना रहता है. कमेंट कोड में करने का क्या मतलब है कि वो आपका स्लैश स्टार एंड स्लैश अपोजिट वे में क्लोज होगा. तो जब भी आप कमेंट करते हैं तो कमेंट के अंदर का कोई भी टेक्स्ट प्रोग्राम आपका रीड नहीं करता है. तो CSS में अगर किसी कोड को आपको कमेंट करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और जहां तक आपका क्लोजिंग टैग नहीं होगा वहां तक का जो कोड है वो कमेंट माना जाएगा. एक्सरसाइजेस नहीं देखना, यहाँ पे हमारे सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट लेसन में क्या है, नेक्स्ट लेसन में इन्होंने लिखा है कि HTML को हम कैसे लिख सकते हैं CSS को. ये इनलाइन कोडिंग कहलाता है. इनलाइन स्टाइल कोडिंग में क्या होता है कि आपने टैग देखा था, टैग के अंदर में आपका वैल्यू होता है. अब इसमें एक स्टाइल इक्वल टू करेंगे, और उसके बाद डबल कोट के अंदर में जो जो चीज आपको लिखना है वो आप उसको फिल आउट करते जाएंगे. ये पहला प्रॉपर्टी है कलर, ये दूसरा प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, ये तीसरा प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, और ये चौथा प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली, मतलब किस तरह का दिखना चाहिए, एरियल है एंड टाइम्स न्यू है, जो भी है, जो भी फॉन्ट का नाम है आप वहां लिख सकते हैं. तो उस तरह में वो लिखा हुआ दिखाई देगा. तो इसमें आप टैग के अंदर में ही लिखते हैं, टैग का जो प्रॉपर्टी है स्टाइल, और उसमें आपका ये CSS का प्रॉपर्टी है. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं. आप यहाँ पे जो भी चेंज करना चाहते हैं आप कलर को चेंज कर सकते हैं. और ये चूंकि येलो पे व्हाइट नहीं दिखेगा तो हम लोग इसको कर देंगे ब्लैक. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी, ये स्टाइल जो टैग है हम किसी भी HTML टैग के अंदर में आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, सिमिलरली बोल रहा है कि आपको टैग में वैल्यू डालना है तो आप सिंपल कर देंगे स्टाइल इक्वल टू, आपका कलर चेंज हो जाएगा. इसमें बोला है बैकग्राउंड कलर को रेड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे रेड कर देंगे, और जो भी बोल रहा है उसके अनुसार आप कलर को चेंज कर देंगे, वो आपका कलर उस तरह से हो जाएगा. गुड जॉब.
Okay, so this was the first part of the CSS. Second, CSS selector. Let's see CSS selector kya hai. Okay. So element selector. Element selector में क्या होता है आपका? यहाँ पे आपका CSS है, H2 elements है, and fill page underlying and all the text of the P element will be dark blue in a color. So जाहिर सी बात है, आपने H2 में text decoration में आपने लिखा underline, तो आपने देखा कि उसके अंदर में underline हो गया, और आपने color equal to डार्क ब्लू किया तो डार्क ब्लू हो गया. तो आपने एक और प्रॉपर्टी सीएस का देखा, टेक्स्ट डेकोरेशन, जहां आपका जो वैल्यू है वो फिल आउट होगा और वो बेसिकली आपका अंडरलाइन कर देगा जो भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है. ऑलराइट, अब यहाँ पे बताया एलिमेंट सिलेक्टर, सिलेक्ट द एलिमेंट टैग पार्ट. अगर हमें डिफरेंट कलर ओनली ऑन द सेकेंड एंड थर्ड हेडिंग पे चाहिए तो उसको आप कैसे करेंगे? या कि आपने बहुत सारा हेडिंग दे रखा है, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, लेकिन किसी पार्टिकुलर हेडिंग पे ही कोई कलर चाहिए तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि अगर ऐसे आप एच के अंदर में करेंगे तो सारे टैग पे अप्लाई हो जाएगा. तो इसके लिए उन्होंने एचटीएमएल के टैग को क्लास टैग को यूज किया है, और क्लास टैग को जब आप यूज करेंगे तो कहीं भी आपका है क्लास हेडिंग. तो जिस जिस एच में आपको वैल्यू चेंज करना है तो क्लास इक्वल टू हेडिंग बनाया, क्लास इक्वल टू हेडिंग, और हेडिंग के प्रॉपर्टी को आपने डिफाइन कर दिया कि हेडिंग में क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए. तो जैसे एस डॉट हेडिंग में कर दिया आपने टेक्स्ट डेकोरेशन इक्वल अंडरलाइन एंड कलर इक्वल टू पैराग्राफ कलर इक्वल टू डार्क ब्लू. तो आप देखेंगे इस सोलर सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं आया है, केवल लास्ट के दो वाले में आया है. क्यों? क्योंकि हमने जो हेडिंग जो क्लास यहाँ पे बनाया है डॉट हेडिंग, वो केवल यहाँ पे जहां पे भी क्लासिकल टू हेडिंग लिखा रहेगा उसी पे अप्लीकेबल होगा. सो दिस इज अबाउट क्लास. सो जिस जिस टैग में आपको अप्लाई करना है यू कैन सिंपली अप्लाई दैट. ठीक है, ओके. एडिंग मल्टीपल क्लासेस, ओके. तो यहाँ पे ये बता रहा है, ओके. सो जब भी आपको एक से ज्यादा क्लास को ऐड करना है तो आप ये मेरे पहले क्लास का नाम है टाइटल एंड स्पेस दे करके आप दूसरे क्लास का नाम देंगे तो दोनों क्लास आपका अप्लीकेबल हो जाएगा और जो भी उसका प्रॉपर्टी होगा वो आपको दिखाई देगा. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे टाइटल क्लास, क्लास जब भी देते हैं तो डॉट देने के बाद जो भी नाम रखना है उसमें उसका फॉन्ट वेट रखा है बोल्ड, कलर इक्वल टू लाइट ब्लू. ठीक है, और यहाँ पे लिखा है उसने सेंटर, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो रखा है वो सेंटर रखा है. तो यानी कि जब भी आप सेंटर जहां पे भी डालेंगे उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा, और जहां पे भी टाइटल डालेंगे वो बोल्ड एंड लाइट ब्लू हो जाएगा. ये आपने दो क्लासेस, दो आपने दो सीएसएस क्लास बनाए, और दोनों सीएसएस क्लास को क्लास के अंदर में पहला क्लास फिर स्पेस फिर दूसरा क्लास को डाला तो दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली जो भी आपको बनाना है, यहाँ पे बॉक्स है, रेड टेक्स्ट है और लार्ज फॉन्ट है, तीन क्लास है. तो तीनों क्लास के प्रॉपर्टी को अगर आपको अप्लाई करना है तो क्लास इक्वल टू कोड में डाला आपने, पहला क्लास है बॉक्स, आपने बॉक्स को कॉपी किया यहाँ पे डाला, आपका बॉक्स बन जाना चाहिए, ये बॉक्स बन गया. दूसरा क्लास का नाम है रेड टेक्स्ट, रेड टेक्स्ट को आपने कॉपी किया, आपने रेड टेक्स्ट को यहाँ डाला, आपका रेड टेक्स्ट हो जाएगा. तीसरे क्लास का नाम है फॉन्ट साइज, लार्ज फॉन्ट, उसने 60 पिक्सल का रखा है. तो अब लार्ज फॉन्ट को अगर आप डालेंगे फिर क्या करना होगा, आपको स्पेस देना होगा, स्पेस दे करके ही आप डालेंगे लार्ज फॉन्ट. सो यहाँ से लार्ज फॉन्ट हट गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे
आपका लार्ज फॉन्ट हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी मेरा हट गया था, तो आपका फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया। तो आप मल्टीपल क्लास डिफाइन कर सकते हैं और फिर मल्टीपल क्लास को आप यूज कर सकते हैं। फैक्ट, नेक्स्ट लेसन में क्या बोल रहा है, आईडी सिलेक्टर। ओके, तो इसमें हमने आईडी बनाया है, यूजिंग द क्लास सिलेक्टर इज नॉट द बेस्ट वे। स्टाइल ओनली वन एलिमेंट ऑन द पेज डिफरेंटली देन यूजिंग क्लास इज नॉट द बेस्ट वे। यू कैन यूज द आईडी विद द हैश साइन। सो यहाँ पे आपका आईडी इक्वल टू टाइटल है, एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो आईडी हैश साइन टाइटल है और यहाँ पे लिखा गया है, तो वो टाइटल को फॉलो करेगा। और बाकी के सारे एक्सरसाइज है जो आप फॉलो कर सकते हैं। दिस लुक्स कूल। ओके, तो इसमें क्या डिजाइन किया गया है, इस डिजाइन में अगर देखें तो हमने एक इमेज को ऐड किया है। इमेज को ऐड करने के बाद हमने सीएसएस लिखा है, क्लास का नाम पैराग्राफ लिखा है और आईडी का नाम पैरा लिखा है, हमने दो चीज बनाया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे अलग अलग टैग्स हैं, ये हमारे क्लास हैं और ये आईडी हैं, उनके प्रॉपर्टी है और उनका आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। सो दैट्स ऑल, क्लास आईडी एंड प्रॉपर्टीज, फॉलो दैट।